मैंने अपनी दादी को ऑन बेड देखा है और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में कितने हद तक बुरी हो सकती हैं। मैं गांव में रहती हूँ तो फिर वहाँ हमारे गांव से सिटी जाने के लिए थोड़ा दूर लगता है, तो फिर कभी कभी आने जाने में टाइम भी लग जाता है, कभी किसी का आने जाने में किसी का डेथ भी हो जाता है। तो आई नीड टू इम्प्रूव दैट और उसके लिए मुझे कुछ करना था, तो इसी कारण मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी डॉक्टर बनूँ। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही इंडिया में ट्राई नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट हमें पता होता है कि हमारी स्ट्रगल्स किस हद तक जा सकती हैं और कंपटीशन कितना हाई है। अब्रॉड का ही सोचा था, अब्रॉड में मुझे रशिया बहुत अच्छा लगा, बिकॉज द एक्सपोजर इज ग्रेट, द एजुकेशन सिस्टम सर्व्स वेल। आई डोंट थिंक मैं कोई एडवाइस कर सकती हूँ, बट डिपेंड्स कि एक स्टूडेंट का पेशेंस लेवल कितना हाई है। दो तीन अटेम्प्ट्स बहुत होते हैं, अगर होता है तो सही है, और एल्स चूज अ डिफरेंट पाथ फॉर द सेम डेस्टिनेशन। और Myself Neelima Singh, I'm from Jaspur, Chhattisgarh. I'm going to Perm State Medical University. Hi, I'm Snehal. I'm from Dhanbad and I'm going to Perm University. हम लोग अच्छा से उसके बारे में जांच पड़ताल किए, अच्छे से उसके बारे में सबसे पूछताछ किए, फिर हमें यहाँ ये भी पता चला कि हमारे यहाँ एक हैं, तो फिर वो वहीं से पढ़ के आए, तो वो एक डॉक्टर हैं, तो इसी कारण हम लोग को लगा कि वो अच्छा है। फर्म की मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और मुझे वहाँ के रिगार्डलेस हर चीज़ अच्छी लगी। पढ़ाई भी अच्छा लगा मुझे, और वहाँ पे रोबोटिक्स ये सबसे भी काम होता है, तो फिर वो चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा, इसीलिए मैं वहाँ जाने की चाह रही हूँ। अब्रॉड जाने का तो बहुत पहले से सोच रखा था, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सेटल डाउन समवेयर इन अब्रॉड। अब्रॉड में मुझे रशिया बहुत अच्छा लगा, इसी कारण मैं रशिया जा रही हूँ। एक्सपोजर इज ग्रेट, द एजुकेशन सिस्टम सर्व्स वेल, सो दैट्स व्हाई। मैं गांव में रहती हूँ तो फिर वहाँ हमारे गांव से सिटी जाने के लिए थोड़ा दूर लगता है, तो फिर कभी कभी आने जाने में टाइम भी लग जाता है, कभी किसी का आने जाने में किसी का डेथ भी हो जाता है, तो इसी कारण मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी डॉक्टर बनूँ और अपने गाँव में अच्छा से एक हॉस्पिटल खोलूँ अपना, और वहाँ के लोगों को अच्छी एक मेडिकल फैसिलिटी दूँ। मैंने अपनी दादी को ऑन बेड देखा है और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ इंडिया में कितने हद तक बुरी हो सकती हैं, तो आई नीड टू इम्प्रूव दैट और उसके लिए मुझे कुछ करना था, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने तो 12th के बाद एक ड्रॉप लिया था नीट का, तो फिर उसमें तो मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। बीइंग अ स्टूडेंट हमें पता होता है कि हमारी स्ट्रगल्स किस हद तक जा सकती हैं और कंपटीशन कितना हाई है। इस बार का रिजल्ट देखे कि यहाँ पे एकदम कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है इस बार, इसी कारण मैंने सोचा कि अब्रॉड ही सबसे बेस्ट रहेगा। आई नो मेरा पेशेंस लेवल बहुत हाई नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती एक चीज़ को रिपीटेडली। दो तीन अटेम्प्ट्स बहुत होते हैं, अगर होता है तो सही है, और एल्स यू शुड चूज अ नेक्स्ट थिंग। एक या दो ड्रॉप ले सकते हैं, अगर उसमें नहीं हो रहा है आपका तो आप अब्रॉड की भी ऑप्शन एक रख सकते हो कि अब्रॉड से भी पढ़ाई करी जा सकती है। रूस एजुकेशन केम इन बिटवीन व्हेन आई वाज डिसाइडिंग टू गो अब्रॉड। रूस एजुकेशन ने ही हमें पहले बार फोन किया था। आई न्यू अ गर्ल हु इज स्टडिंग देयर इन फॉर्म यूनिवर्सिटी ऑलरेडी, शी इज अ सीनियर। हमारे यहाँ एक हैं, तो फिर वो वहीं से पढ़ के आए, तो वो एक डॉक्टर हैं। सो शी एडवाइज्ड अस दैट यू कैन गो फॉर अ कंसल्टेशन टू देम। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे हर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर मिला है, स्पेसिफिक आंसर्स मिले हैं, और मेरे लिए वो बहुत शॉर्टेड चीज़ें रही हैं। आई एम एक्साइटेड, बट आई थिंक आई एम मोर ऑफ एन एंक्शियस। मुझे एक्साइटमेंट भी बहुत हो रहा है, नर्वस भी फील हो रहा है, क्योंकि मैं पहली बार अब्रॉड जा रही हूँ। एक्साइटेड इसीलिए क्योंकि वहाँ जाके मुझे बहुत सारे ग्लोबल लोगों से मिलने की मिलेगा। नॉट नर्वस एग्जैक्टली, बिकॉज आई नो आई कैन हैंडल एवरीथिंग। फैमिली को तो यही है कि मेरे को अच्छा से सपोर्ट करें, अगर मैं ज़्यादा वो नर्वस वहाँ पे जाके अगर अच्छे से ना रह पाऊँ तो मुझे अच्छा से सपोर्ट करें, सबको मुझे अच्छा फील कराने की कोशिश करें जहाँ भी रहूँ मैं। सपोर्ट तो बहुत रहा है, कभी भी ये नहीं हुआ है कि बैकआउट कर रहे हैं पेरेंट्स। अगर मैं बैकआउट करने की सोच भी रही हूँ, देन ऑल्सो दे आर लाइक नहीं फिर से हो जाएगा, गो ऑन। तो हाँ, सपोर्ट बहुत करा है, एंड मैसेज यही है दैट बी हेल्दी, डोंट बी सो इमोशनल कि खुद के हेल्थ पे इफेक्ट आए।